स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स इन दिस वीडियो, संबलपुर यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस एक्सक्लूडिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना और मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आपको 5 पेपर्स का एग्जाम देने हैं, 2 ऑनर्स पेपर, 1 जेनेरिक पेपर और 2 कंपलसरी पेपर, जिसमें आता है AECC 1 दैट इज EBS एनवायरमेंटल साइंस, जिसके ऊपर आज का ये वीडियो मेनली फोकस्ड है, और एक है एथिक्स एंड वैल्यूज। एथिक्स एंड वैल्यूज 25 मार्क का एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर में, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा, और AECC 1 दैट इज EBS 3 घंटे का एग्जाम होगा और जिसका फुल मार्क आएगा 80। ओके, तो आई होप कि सबके पास एग्जाम शेड्यूल पहुंच चुका होगा। 24 मार्च से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होने वाला है और 27 मार्च को आर्ट्स स्टूडेंट्स का और 28 मार्च को साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स का EBS का एग्जाम है। टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 से 5 बजे तक 3 घंटे, यानी कि घर से खा के आना है फिर घर पे आके खाना है। रास्ते में गुपचुप हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, पेट खराब होगा हम नहीं खाएंगे। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि वो कौन से लैंग्वेज में EBS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस का आंसर पेपर लिख सकते हैं, तो मैं ये बात इस वीडियो के जरिए सबके सामने ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए, फॉर कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स दे आर बाउंड टू राइट इन इंग्लिश, बट फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स जो आर्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए एक ऑप्शन है कि या तो वो इंग्लिश में लिख सकते हैं नहीं तो उड़िया में भी वो आंसर पेपर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इंटरनल उड़िया में लिखे हो तो सेमेस्टर उड़िया में नहीं लिख सकते या फिर इंग्लिश में नहीं लिख सकते, ऐसा कोई बात नहीं। आप इंटरनल जो भी लैंग्वेज में लिखे हो सेमेस्टर और एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एक बात का ध्यान रखना कि एक सेमेस्टर पेपर अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश में ही एंड करना, इंग्लिश और उड़िया दोनों को एक साथ मिलाना नहीं कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ मेरे को 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, मैं आगे पीछे से देख के 2 का उड़िया में लिख लिया, या फिर मैं उड़िया में लिख रहा हूँ 2 पूछ के मैं इंग्लिश में लिख रहा, ऐसे मिक्सअप करके मत लिखो। अगर लिख रहे हो तो कंप्लीट इंग्लिश में लिखो, अगर लिख रहे हो तो कंप्लीट उड़िया में लिखो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा जो असल मुद्दा है कि मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है EBS का, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में EBS का एग्जाम पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, इस बार का क्वेश्चन पैटर्न कैसा आ सकता है और कैसे आप सभी को उसका आंसर देने हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना एक स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगा जिसके लिए ये वीडियो पॉसिबल हो पा रहा है, जिसने ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मेरे को दिया है, राहुल, तो उसको मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि वीडियो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट्स आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इधर लिखा है +3 फर्स्ट सेमेस्टर AECC एनवायरमेंटल साइंस, साइंस और कॉमर्स, न्यू NC मतलब न्यू कोर्स। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 का, ये प्रीवियस ईयर का ओनली फॉर साइंस एंड कॉमर्स के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आर्ट्स और साइंस कॉमर्स का अलग अलग दिन में एग्जाम है इसलिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं, लेकिन बेसिकली उसका पैटर्न सेम रहता है। तो देखते हैं, ऊपर लिखा है द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क, ये सब मार्क इंडिकेट करते हैं, और आंसर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेक्टेड पेपर आज इंस्ट्रक्टेड। सो ध्यान से देखो, सिलेक्टेड पेपर से दिया गया है। इधर देखो, एक तो लिखा गया एनवायरमेंटल स्टडीज, और अगर आप आगे नजर डालेंगे तो इधर और एक लिखा है, ये देखिए एनवायरमेंटल साइंस, ये एनवायरमेंटल साइंस और ये एनवायरमेंटल स्टडीज, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग सिलेबस है। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ कि सिलेबस चेंज कर दिया गया था, इसीलिए ये जो पीछे एनवायरमेंटल साइंस दिया गया है ये पुराने सिलेबस से है, और ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज लिखा है वो नया सिलेबस से है, दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ज़्यादातर कॉलेजेस में ये नया सिलेबस से पढ़ाई हुआ था, जो बैक स्टूडेंट्स हैं वो जनरली वो पुराने सिलेबस का एग्जाम देंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन में भी ऐसा दोनों क्वेश्चन लिखा हो तो बेटर है कि आप जिसका आंसर दे रहे हैं, बेसिकली आपको नया सिलेबस का आंसर देना है, तो जो आप दे रहे हैं अपने आंसर शीट के ऊपर ये वाला हेडिंग दे दें कि एनवायरमेंटल स्टडीज, हेडिंग दे के अपना लिखना शुरू करें। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जैसे कि लिखा है आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 × 12, दैट इज ये सभी तुम्हारे 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, 12 मार्क का, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स का, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पूरा मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उम्मीद ही मत रखना कि ABCD ऑप्शन आएगा मार्क चले आएंगे, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स से विदाउट ऑप्शंस, आपको पूरा आंसर पता हो तो ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ का उम्मीद ही मत रखना, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स 12 आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर टू में दिया गया है, देख सकते हैं 8 तो यानी 8 क्वेश्चन का आंसर देना है इन 2 to 3 सेंटेंसेस, छोटे क्वेश्चन से 2 से 3 सेंटेंस के बीच में आपको आंसर देना है। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, 8 तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन बाय ऑस्कर, ये सब में डेफिनेशन आ सकता है, व्हाट इज आ सकता है, व्हाई आ सकता है, या फिर डिफरेंस आ सकता है ऐसा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 8 तो 3 मार्क का क्वेश्चन देना है। इसको आपको 75 वर्ड्स मतलब कि एक छोटा पैराग्राफ 5 से 7 सेंटेंस के बीच में आपको आंसर देना है। इसमें भी जनरली 10 ऑप्शंस रहते हैं, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन का आंसर देना है, सिमिलरली जस्ट लाइक टू योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स मतलब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन कैरी करता है 7 मार्क। तो इसमें आपको कितना ऑप्शन दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर ए में आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, ये 2 में से 1 करना है। क्वेश्चन नंबर बी में भी वैसे 2 ऑप्शन दिया गया, उसमें से 1। क्वेश्चन नंबर सी और डी में हर एक में आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, हर 2 ऑप्शन में से आपको 1 करना है। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे 1 मार्क का, 12। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, 8। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, 8 करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन करना है 500 वर्ड्स के बीच में, और आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। तो 3 घंटे में टाइम ड्यूरेशन आपको सफिशियंट मिल रहा है। पहले 2017-18 बैच को 2.5 आवर मिलता था, अभी आपको 3 आवर्स मिल रहा है, सफिशियंट है। और एग्जाम में आपको ये सब करना है। तो देख सकते हैं ये, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का एक साइंस और कॉमर्स का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो भी क्वेश्चन है ये जनरली इस बार का आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर एक मेल आईडी है ना तो उसको एक अच्छे काम पे लगाएं, एक भले काम पे लगाएं, एक नेक काम पे लगाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मदद करें। देखना, दिल को सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगा, शांति मिलेगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।